दोस्तों अब बारी सिनेमा गुरु की। आज हम बताएंगे भारत में बनी एलियंस पे पहली फिल्म कोई मिल गया के बारे में 10 ऐसी बातें जो शायद आपने पहले नहीं सुनी। दोस्तों राकेश रोशन जी ने एक हॉलीवुड की फिल्म देखी थी, ईटी नाम था फिल्म का। ये फिल्म एलियंस पे आधारित थी और इसी फिल्म से प्रभावित होके उन्होंने कोई मिल गया के निर्माण के बारे में सोचा। फिल्म कोई मिल गया में जादू का किरदार किया था छोटे उस्ताद नाम के कलाकार ने। छोटे उस्ताद जब जादू का कॉस्ट्यूम पहनते थे तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था और शूटिंग के दौरान उन्हें काफी दिक्कत होती थी। दोस्तों जादू का सीन एक जंगल में शूट किया जा रहा था और जंगल में हाथियों के साथ जादू का दृश्य शूट करना था। जादू को देख के सारे हाथी घबरा गए और वो इधर उधर भागने लगे। बाद में बहुत मुश्किल से जादू का हाथी के साथ सीन शूट हुआ। फिल्म कोई मिल गया में रेखा जी और राकेश रोशन का एक कार एक्सीडेंट का दृश्य फिल्माया जाता है। ऐसा ही सेम हादसा प्रीति जिंटा के मम्मी पापा के साथ हुआ था जब वो 13 साल की थी। दोस्तों फिल्म कोई मिल गया में एक मेंटल डिसऑर्डर लड़के का किरदार निभाना था ऋतिक रोशन को, और इसकी तैयारी के लिए उन्होंने खुद को कमरे में कैद कर लिया था। फिल्म कोई मिल गया में बच्चे का लुक देने के लिए ऋतिक रोशन पे कई सारे चश्मे ट्राई किए गए, लेकिन बाद में वही चश्मा फिट आया जो उन्होंने राज के किरदार के लिए अपनी पहली फिल्म कहोना प्यार है में पहना था। फिल्म कोई मिल गया में ऋतिक रोशन एक मेंटल लड़के का किरदार निभा रहे थे, इसलिए उन्हें बच्चा दिखना था और उन्होंने अपना वजन भी काफी कम किया था। लेकिन चूंकि उसी दौरान उनकी एक और फिल्म की शूटिंग चल रही थी, इसलिए वो बहुत पतले नहीं हो सकते थे, तो उनको बच्चा दिखाने के लिए उनको ढीले ढाले कपड़े पहनाए जाते थे। फिल्म कोई मिल गया में जादू की आवाज पहले दी थी जेम्स कॉलबर्न ने, लेकिन बाद में लोगों को लगा कि ये आवाज उतनी अच्छी नहीं है, तो बाद में उसे टेक्निकली तरीके से बदल दिया गया। फिल्म कोई मिल गया में प्रीति जिंटा का किरदार पहले ऐश्वर्या राय को ऑफर किया गया था, लेकिन किसी कारण से उन्होंने ये फिल्म करने से इनकार कर दिया। दोस्तों ऋतिक रोशन के एक हाथ में 6 उंगलियां हैं, जी हाँ उनके 2 अंगूठे हैं। और फिल्म कोई मिल गया में पहली बार ये चीज रिवील की गई थी। एक दृश्य में बच्चा ऋतिक रोशन क्लासरूम में गिनती गिनता है, तो ऐसे इस अंगूठे को भी गिनते हैं वो। ये तो था छोटा सा ज्ञान। अब बारी है 5 गानों की, तो सुनिए गाना नंबर 5, 4, 3, 2 and 1। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक और दमदार एपिसोड के साथ, मस्त मस्त रापची गानों के साथ और आपके चुटकुलों के साथ। तो अपने चुटकुले, अपने आइडियाज, अपने सजेशन हमें मेल करते रहिए bigmagicmarketing@reliancebroadcast.com पे। तब तक हम जा रहे हैं और आप अपना ख्याल रखिए। गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हर घड़ी मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एंटरटेनमेंट की फुल गारंटी। बिग जॉब 20 ओनली ऑन बिग Magic.